तो दोस्तों, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आपका जो वीडियो है ब्राउज फीचर में नहीं जाता है, अगर जाता भी है तो 5 से 10% ही आपके वीडियो ब्राउज फीचर में जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिसका आप यूज करके आप अपने वीडियो को 50 से 80% तक आप अपने वीडियो को ब्राउज फीचर में भेज सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल नॉलेज को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगा कि ब्राउज फीचर कैसे काम करता है। तो स्टेप 1, ब्राउज फीचर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्राउज फीचर उसे हम कहते हैं जब अगर मान लीजिए आप यूट्यूब को ओपन करते हैं और यूट्यूब ओपन करने के बाद होम पेज में जो भी आपको वीडियो दिखाई देता है वो सारा ब्राउज फीचर के अंतर्गत वीडियो आता है। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब ओपन किया और आप स्क्रॉल कर रहे हैं अपने वीडियो को, यानी सॉरी आप अपने यूट्यूब में स्क्रॉल करते हैं होम पेज पर, तो जितना भी आपको वीडियो दिखेगा वो सारे के सारे वीडियो ब्राउज फीचर के अंतर्गत आता है। यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे करेंगे तो आपके जो आपका वीडियो है ब्राउज फीचर में जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका आप खास ख्याल रखेंगे। अगर आप इस वीडियो का फुल फायदा उठाना चाहते हैं तो जो आप थंबनेल देख पा रहे होंगे तो उस वीडियो को आपको देखना होगा, जो कि आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एंड स्क्रीन का मतलब है कि इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो का आप फुल फायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपका थंबनेल जो है एट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी आपका थंबनेल आकर्षक होना चाहिए कि आपका जो थंबनेल देखते ही ऐसा लगे उस पर क्लिक करना चाहिए और इसका नॉलेज हमें लेना चाहिए। इस प्रकार से आप अपना थंबनेल एट्रैक्टिव बनाएं ताकि अगर 10 वीडियो है तो उस पर भी अगर आपका जो वीडियो है अगर आए तो 10 वीडियो में से आपका वीडियो जो एक हो वो आपका बहुत ही आकर्षक थंबनेल हो जिससे लोग उस पर क्लिक करेंगे। अगर उस पर क्लिक करेंगे और लोग देखेंगे तो उसके बाद आपका जो वीडियो है ब्राउज फीचर में जाने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर अच्छा से अच्छा रील्स अपलोड करता हूँ। तो आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है रजनीश रोहित कुमार, यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं नीचे में, आपको यही टाइप करना है। या आप चाहें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप उस यानी आप डिस्क्रिप्शन से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टेप 3, वॉच एवरेज। इससे पहले हम जान लेते हैं कि आपका कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने थंबनेल बनाया कि वीडियो सॉरी आप अपने चैनल को कैसे ग्रो करें, अगर आपके थंबनेल पर ऐसा कुछ लिखा है तो आप अपने वीडियो में उसी के बारे में बताएं, मिसलीडिंग न करें कि आपका थंबनेल पर कुछ और लिखा है और आपके वीडियो में कुछ और है। अगर आप इस प्रकार से कीजिएगा तो आपका जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर है आपके वीडियो से कटेंगे, यानी हट जाएंगे, ये जो बंदा है मुझे मिसलीडिंग कर रहा है, थंबनेल पर कुछ और है और वीडियो में कुछ और है। ब्राउज फीचर में आप अपने वीडियो को भेजने के लिए आपका जो वॉच एवरेज है 40 से 50% होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो वीडियो है ब्राउज फीचर में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका वीडियो 5 मिनट का है तो उस पर वॉच एवरेज जो है कम से कम 2 मिनट या 2.5 मिनट आना चाहिए, उसके बाद ही जो आपका वीडियो है ब्राउज फीचर में जाएगा, इसका आप खास ख्याल रखें। इसके बाद आता है स्टेप 4 एंड स्टेप। तो इसमें हम जानेंगे कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए जो भी आपके वीडियो है उस पर लोग क्लिक करते हैं वे क्लिक थ्रू रेट होता है, तो ये जो है रेटिंग आपका 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका थंबनेल है जो एट्रैक्टिव है, यानी आकर्षक थंबनेल आप बनाते हैं, तो जो आपका क्लिक थ्रू रेट है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसलिए आप अपने थंबनेल पर ज़्यादा फोकस दें। आपका जो वीडियो है वो कोई भी बंदा नहीं देखता है, सबसे पहले आपका जो थंबनेल है उसी को लोग देखकर आपके वीडियो पर क्लिक करते हैं, इस बंदा इसके बारे में बताया है हम इसको क्लिक करके देखते हैं, इसलिए आप अपने थंबनेल पर ज़्यादा फोकस दें। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आरके टेक्निकल नॉलेज को, जिस पर आपको ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।